बस एक बार मुझे वो प्रूफ लाकर दे दे, फिर देखना। करप्शन पर ऐसा खुलासा होगा कि पूरा इंदौर हिल जाएगा। हाँ तावड़े, हाँ बोल, कितने बजे? अरे तेरे पति ने कुछ भी किए नहीं, मेरे गुनाहों की जान ली है। वो कमीना अगर इस हादसे में नहीं मरता, तो मैं उसे अपने हाथों से मार देती। हाँ यार चल, कैसे कैसे नहीं मिलेगा, इसी कापी में सब कुछ मिल जाएगा। हाँ हर की जूसी का काम पक्का होता है। घूम भाई पीछे के लिए ऐड देना था, जेम से बात करनी है। चलो नमस्ते जी। सर सेकंड हैंड बाइक बेचने के लिए ऐड दे रहा है। फटफटी बेचनी है, पुरानी वाली। 250 रुपए लेंगे भैया। 250 रुपए? और अगर इतने पैसे देकर बाइक का खरीदा ना मिला तो? अरे एसी वैसी अखबार नहीं है, गारंटी है। गारंटी बर्बाद लहर में कोई भी इश्तिहार दे दो, खरीदने बेचने के लिए, शादी करने करवाने के लिए। अरे काम तो होना ही होना है, मैं तो कह रहा हूँ भैया फटफटी का इश्तिहार दे दो और बिग गए समझो घूम फिर के। हाँ ये बात, ये 100, 200, 220, 230, 240, 250 ये लीजिए। अरे भैया पहले आप ये डिटेल तो भर लो। हाँ पटपटी का मॉडल लिख लो, कितने पैसे चाहिए, इंदौर में कहाँ रहते हो, फोन नंबर सब लिख लो। हैं अरे काम तो होना ही है एक दो दिन में, गारंटी है गारंटी। तुमने खाना क्यों नहीं खाया नन्नी? मुझे भूख नहीं है। आपने खाना खाया? भोपाल में क्या हुआ, क्या लोगों ने मान लिया कि पापा ऑनेस्ट थे? नहीं, पर बहुत जल्द मान जाएंगे। तो आपको फिर से भोपाल जाना पड़ेगा? लेकिन तुम देखना, जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उस दिन सारी दुनिया मानेगी कि तुम्हारे पापा निर्दोष थे। मतलब आपको बार बार भोपाल जाना पड़ेगा, ये तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरे पापा के बिना सांस लेने में भी मुझे बहुत मुश्किल होती है नन्ही।
काश की पापा वापस आ जाए। तेरी ये विश कभी पूरी नहीं। मेरे पापा के बिना सांस लेने में भी मुझे बहुत मुश्किल होती है। काश की पापा वापस आ जाए। तेरी ये विश कभी पूरी नहीं हो सकती। तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है कि नहीं? विधवा होना तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें उसकी सजा मिले। कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आए जो तुम्हारे दुख सुख बांट सके। आपके लिए बोलना बहुत आसान है, पर सच तो ये है, कौन करेगा मुझे भगन से शादी? कौन अपनाएगा इस विधवा और उसके बच्चों को? तू तो जानती है ना कि अकेले इसके डैडी हैं जो कमा रहे हैं, और खाने वाले तो इतने भरे हुए हैं मेरे घर में, किन किन की ख्वाहिशें पूरे करें। अच्छा 600 लेना, 550 दोगी? 500? गारंटी है गारंटी, प्रभात लहर में कोई भी इश्तिहार दे दो खरीदने बेचने के लिए, शादी करने करवाने के लिए, अरे काम तो होना ही होना है। मॉडल नंबर लिखो, नाम लिखो, डिटेल्स लिखो, एड्रेस लिखो और फोन नंबर लिखो। भगवान जी मेरी हर विश पूरी करते हैं मम्मी। बात हुई है? मेरे मोहल्ले में कोई रहने आया है और मुझे ही कानो कान खबर नहीं। नहीं नहीं ये बड़ी टेंशन वाली बात है। हाँ चंचल, नहीं नहीं मैं अभी एक घंटे में सारी खबर निकालती हूँ। कौन है, कहाँ से आया है, क्या काम करता है, बच्चे कितने हैं, क्यों आया है, तू फोन रख मैं अभी पता करती हूँ। हाँ रूप वाला चश्मा पहन के जाऊंगी तो नए पड़ोसी पे इम्प्रेशन अच्छा जमेगा। हाँ पूरे मोहल्ले को खबर है और रेनू के कानो कान नई पड़ोसी से मिलने जा रही है। कोई बात है, खाली आ जाएगी। लट्टू ले खर्चा। यही घर बताया होगा। यही था। अरे ये गुरु कहाँ मर गया।
आ दौड़े बोल। तेरा गुरु आ गया। हाँ बोल। अरे एक घंटे में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। हाँ। नहीं 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 उसका लेट नहीं है। एक सेकेंड। अरे हाँ। लेट नहीं है। गुरु कॉफी बना। हाँ दौड़े। अरे पक्का मैं ऑफिस आके बात करता हूँ ना चल। हेलो जी। मैं मिसेज रेनु व्यास। नमस्ते। क्या चाहिए? आपका हमारे मोहल्ले में स्वागत है। क्यों? मतलब? इस खुशी में? देखिए आप हमारे मोहल्ले में नए नए आए हैं। मुझे जैसे ही पता चला ना मैं तो फट दौड़ती आपके घर चली आई, वो भी लड्डू के साथ। प्लीज ईट। मैंने बनाए हैं। जी एक बात समझ में नहीं आई, आप इतना खुश क्यों हो रही? लो, मैं तो खुश होंगी क्योंकि आप मेरे बिल्कुल बगल के पड़ोसी है। अब मुझे तो अच्छा लगेगा ही ना कि यहाँ मेरे पड़ोस में कोई आए, कोई बसे। हाँ, नए लोग, नई पहचान, ऐसे ही तो बनती है। वैसे आपकी फैमिली नजर नहीं आ रही, आपकी वाइफ कहाँ है? वाइफ? हाँ? वो तो भागी। क्यों, कब, कहाँ? कहाँ तो पता नहीं। हाँ? पर कल भागी। वो टेम्पो वाले आए थे ना। हाँ? वो क्या है कल ये शिफ्टिंग विफ्टिंग सामान वामान आया ना। हाँ? अब उन्होंने पैसे मांगे, मैंने कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं, बस वाइफ लेके भागे। बात हुई नास बिटा, टेम्पो वाला। अरे दो दिन बाद पैसे ले लेता। देखो तो, मैं कहती हूँ आपका सामान ले जाता, आपकी वाइफ को क्यों लेकर गया? तो फिर अब क्या? हाँ। सोचता हूँ कि हर रात एक नई बीवी ले आऊं। हाँ? क्या मजा ही मजा। हाँ? वो क्या है ना कि रात को अकेले में मुझे नींद नहीं आती, कोई तो चाहिए। वैसे आप जी? मतलब आप तो जानती होंगी ना अपने मोहल्ले में है ऐसी कोई आइटम जो? मैं ऐसा किसी को नहीं जानती हूँ। अरे तो पता कीजिए ना, आखिर एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आ सकता। आप देख दीजिए। अरे अगर आप चाहें तो कोई कमीशन वमीशन भी वर्कआउट कर सकता हूँ। बस माय रोज चाहे अरे अरे सुनिए, वो लड्डू तो देते जाइए। अब ये कौन थी? पता नहीं यार, ही कोई ना काम ना काज, बस खुजली है लोगों के घरों में ताक जाक करने की। आईना देखना इस तरफ देखेगी भी नहीं। तू कहाँ था बे? है तो कॉफी बना, लेट हो रहा ऑफिस के लिए। ये तो कैसा चालू छोरा निकला। हाँ पता है कितना बदमाश, कितना खतरनाक लग रही था। मैं तुझे क्या बताऊं, सच कह रही हूँ, इसने मुझे इतनी गंदी नजर से देखा, इतनी गंदी नजर से देखा। जी जी जी, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। हाँ शिव जी की कृपा से मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उसके घर से भागी हूँ, सच कह रही हूँ। तू मेरी बात सुन चंचू, तू ना उसके सामने बिल्कुल फटकी हो ना, सुन रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ बहुत ही खतरनाक है। हाँ न जाने कैसे कैसे छोरे हमारे मोहल्ले में आकर रहने लग गए, भगवान बचाए इनसे हमें। अच्छा सुन मैं घर जा रही हूँ, पता चले मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक पहुँच गया। ठीक है बाद में बात करूंगी। हाँ चल चल बाय। हियरिंग हो गई प्रेरणा, कमेटी ने मेरा स्टेटमेंट भी ले लिया, बिल्डर का पक्ष भी सुन लिया है। अब देखना यह है कि रिपोर्ट में क्या कहते हैं। मैं तो इतना जानती हूँ मेघा कि तूने जिससे भी प्यार किया है वो अच्छा इंसान ही रहा होगा, और फिर अच्छों के साथ तो अच्छा ही होना चाहिए। थैंक यू प्रेरणा, अच्छा लगता है जब अमर के निर्दोष होने पर कोई यकीन करता है। अमर का नाम, उनकी इज्जत वापस आ जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और कैप्टन तू वो याद रखना जो मैंने तुझे कहा था, जॉब मेरे हस्बैंड के पब्लिशिंग हाउस में, एनी टाइम। आई विल, थैंक यू सो मच। अच्छा चल अभी रखती हूँ, बाय एंड टेक केयर। बाय।
हाँ बोल कितने बजे? 2 बजे ओके डन। अरे भाई बहुत काम है अभी रखो फोन। हैं अंकल हैं मुझे ये आज सब पानी है अखबार में मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है और ये रहे आपके ₹250। और क्या मैं जान सकता हूँ कि ये एड किस चीज के लिए है? मेरी मम्मी की शादी के लिए। क्या 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 क्या? जी मेरी मम्मी की शादी के लिए। हैं? मेघा व्यास उम्र 28 वर्ष विधवा पहली शादी से 2 बच्चे नविका 8 वर्ष आदित्य 6 वर्ष गोरी सुंदर सुशील घर का सारा काम आता है खाना बना लेती है इंग्लिश भी अच्छी बोल लेती है शादी के लिए संपर्क करें व्यास निवास 11/7 जूना मोहल्ला इंदौर। नहीं ये ऐड देनी है तुम्हें? ये ऐड हम नहीं चाह सकते। क्यों? अरे क्योंकि तुम छोटी बच्ची हो। तो फिर क्या छोटे बच्चे ऐड नहीं छुपवा सकते? नहीं नहीं छुपवा सकते। ये ऐड तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ये ऐड छपवानी है तो मम्मी के साथ आओ या किसी बड़े बुजुर्ग के साथ आओ समझी? अंकल आप समझ भी नहीं रहे मैं अपनी मम्मी को सरप्राइज देना चाहती हूँ। बच्चे मेरे बच्चे मेरी बात मानो ये सरप्राइज देने का सही तरीका नहीं है। अंकल मेरे पास और पैसे हैं आप इन्हें भी ले लीजिए पर प्लीज मेरी याद छाप दीजिए। अरे बच्चे ये पकड़ो अपनी हेड और ये पकड़ो अपने पैसे समझे और निकल लो यहाँ से। हाँ घर का रास्ता मालूम है अकेले जा पाओगी कि मैं छोड़ने आऊं? अंकल प्लीज मेरा ऐड छाप दीजिए ना। अरे तुम जाओ यहाँ से घर जाओ चलो कहना तुमसे जाओ वॉचमैन को बुलाऊं चल जाओ दूर दूर चल जाओ घर जाओ काम नहीं करने देंगे हमको। अरे पांडे जी को भेजिए। हर आदमी खरीदा जा सकता है जी सबकी एक कीमत होती है भैया हम तो व्यापारी आदमी हैं सब पता है हमें रोज कोई ना कोई मुंह खोल के खड़ा हो जाता है और हम उसका मुंह बंद करने के लिए दाना डाल लेते हैं। कैसे 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 एक बार वापस करके दिखाइए ना। अरे नहीं नहीं दोस्त उदाहरण दे रहे थे। अरे सर क्या बात करते हैं आप ऐसे कैसे जी अरे इतनी बढ़िया कमाल की एक्टिंग करते हैं एक बार तो करके दिखाइए प्लीज। एक 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 लास्ट बार करके दिखाइए ना प्लीज। अच्छा आप कह रहे हो तो मैं आपको एक बार और करके बताता हूँ वो क्या हुआ। वो पलसिया में एक बार मैं ऑफिस में गया था तो वहां के ऑफिसर ने तो यूं करके मुंह खोल दिया। हाँ आज रात को डायपर पहन के सोना कहीं सवेरे उठते ही प्रभात लहर सामने आ गया ना तो बिस्तर पे ही गड़बड़ हो जाएगी। तेरे सारे काले धंधों की लिस्ट सबूत और तेरी फोटो के साथ कल छपने वाला। मोहन जी मेरी बात तो सुनिए। मोहन जी मोहन भाई यार आपने तो कमाल कर दिया यार
मोहन भटनागर को खरीदने चला था। अरे बिकना ही होता यहाँ नहीं अपने। अरे यार ये गुरु भी ना, अब देखना ये पूछेगा खाने में क्या बनाऊं, कितने बजे घर आओगे। हाँ बोलिए भाई साहब। अरे खाने में क्या बनाऊं, खाने में क्या बनाऊं, तेरे रोज रोज के सवाल से ना मैं पक गया हूं। कभी अपना दिमाग भी यूज कर लिया करना। नो आइडिया। अरे जब ये नहीं पता कि रात को खाने में घर आऊंगा या नहीं तो फिर डिनर का। तू रो क्यों रहा? अच्छा नहीं रो रहा? क्या 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 मतलब? सुनना मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, घर आके बात करो। गुरु यार मैंने कहा ना नो आइडिया। हेलो हेलो बताओ। टू टू करके नेटवर्क ही चला गया। नहीं मोहन भटनागर, नहीं मोहन भटनागर, नो 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 नो। क्या प्रॉब्लम है तेरी? अरे ए हेलो 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 क्यों रो रही? अरे ओहो दुनिया भर की लड़कियों की एक ही प्रॉब्लम है क्या? कोई पूछे कि क्यों रो रही है तो और रोने लगती। बताओगी नहीं कि क्या प्रॉब्लम है तो कोई हेल्प कैसे करेगा? पापा के डेथ के बाद मम्मी बहुत परेशान रहती है। एक विधवा का जीवन क्या होता है ये कोई नहीं समझता। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो एक बोझ है अपने परिवार पे, सारे समाज पे। ना ही वो जी सकती है और ना ही मर सकती है क्योंकि दो बच्चे हैं उसके, उन्हें किसके सारे छोड़ के जाए। चवन्नी तू ये सब कह रही है? नहीं मेरा भूत। वाह और कौन है यहाँ? इस साथ से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उन्हें सहारे की जरूरत है, हर महीने खर्चे का टेंशन नहीं रहेगा और अद्दू को अपने बर्थडे पे बैग लिए तरसना नहीं होगा और मुझे अपनी नई स्कूल ड्रेस और नई स्कूल बैग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और ना ही हम दादाजी दादीजी ताईजी ताऊजी पे बोझ बनेंगे। मैं अपनी मम्मी की हेल्प करना चाहती हूँ पर उस इरिटेटिंग आदमी ने कहा कि मैं छोटी बच्ची हूँ और मुझे किसी बड़े को बुलाना पड़ेगा उस ऐड को छुपाने के लिए, नहीं तो वो मेरी ऐड ही नहीं छपेगा। बात तो उसने सही कही। अरे अरे सुनना वो नहीं छोड़ एक मैं एक पीस रह गया खाने से ना, एक सुन तो सही। अरे मेरी बात तो सुन, छोटा सा पीस रह गया। एक विधवा होना क्या मेरी मम्मी की गलती है? जो उन्हें इसकी सजा दी जाए मैंने सही सुना था। हमारा समाज एक विधवा को केवल भिखारी के रूप में ही देखना चाहता है ताकि वो बेचारी सहारा बन के जीती रहे। पर आपको ऐसा क्या मतलब? बड़ा ऐसे मेरी हेल्प करे। अरे अरे सुन तो सही। अरे रुक रुक
यार ये 2.5 फुट की लड़की ने बात तो 100 फीट सही कही। बेचारी इसकी माँ, एक तो विधवा ऊपर से दुखियारी। माँ खांसी की दवाई ले लो। बेटा ये बोतल भी खाली हो चुकी है और दूसरे के लिए पैसे नहीं है। हाय हाय मोहन भटनागर, अगर आज तूने इस बच्चे की मदद नहीं की ना तो अपने आप को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ए, ए, सुन! ओए रुक! ओए बात तो सुन! ए चौनी, चलना नहीं है? कहाँ? ऐड छपवाने। पर वो आदमी? पूरे प्रभात लहर में ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो भाई को भला कर सके। अरे नहीं भैया, तुमको कैसे मना कर सकता हूँ मैं, लेकिन पहले ये एड तो पढ़ लो। क्या दारू का एड? नहीं, ड्रग्स का है। एस्कॉर्ट सर्विस? ना बाबा, मसाज का एड है। अरे कहने का मतलब ये है, एक 8 साल की बच्ची अपनी विधवा माँ की हेल्प करने के लिए कुछ करना चाहती है और आप है कि जोशी जी शेम ऑन यू। क्या? मेरा मतलब है कि नाबालिग बच्ची से मैं एड कैसे ले सकता हूँ? जो पहली बार आई थी ना तो मैंने उसे कहा था कि अपनी मम्मी को लेकर आओ, नहीं लाई। बोला था ना नहीं लेके आई। बोला था बड़े बुजुर्ग को लेकर आओ, नहीं लाई। अगर मैं नाबालिग बच्ची से एड ले लूंगा और बॉस को मालूम पड़ गया तो मेरी तो नौकरी गई ना है? अच्छा तो ऐसा है हा? तो एक काम करते है ना, मैं बन जाता हूँ इसका गार्डियन। और बताइए और क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं थी। तो हो गया? हाँ। ए जोशी जी, कल सुबह के अखबार में बड़ा बड़ा साफ साफ बॉक्स बना के छप जाना चाहिए। हो गया। जोशी जी प्रभात लहर में एड आए और इस बच्ची का काम ना बने, ये होना नहीं चाहिए। पूरे इंदौर में दिखना चाहिए। अरे भैया अगर मैंने एड छाप ली ना तो इंदौर तो क्या पूरे MP में दिख जाएगा। हाँ कसम से। वेरी गुड जोशी, काम कीजिए, इसका प्रूफ रीड कर लेना और मैटर ठीक कर लेना। भैया हो गया तेरा काम, अब कल सुबह के पेपर में छप जाएगा तो तेरी और तेरी मम्मी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म।